उमर क्वेश्चन ये कि जाहिर है कि पीएसएल 8 जो है शुरू होने जा रहा है, क्वार्टर 11 की तैयारी का सिलसिला है, लेकिन फिटनेस के हवाले से बताइएगा कि आपके खिलाड़ी को फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है, और ख़ासतौर पर नसीम शाह की जाहिर है कि इस मरतबा कैटेगरी भी चेंज हुई है, वो हल कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पी एस एल तो माशा से इवेंट बन गया है, सारे लोग वेट कर रहे हैं, और स्पेशली इस दफ़ा तो काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आप एक ही 4 सिटीज़ में होने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से माई सेल्फ काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आप डिफरेंट वेन्यू पे खेल रहे हैं। जहाँ तक फिटनेस की बात है तो काफ़ी हमारे 7-8 प्लेयर ऐसे जो डिफरेंट लीग्स में जो ना वो अभी बिजी है, लेकिन जो खुश जो अच्छी बात है कि सारे प्लेयर्स क्रिकेट खेलने कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो एटलीस्ट ये है कि फॉर्म में रिदम में फिटनेस का आई थिंक एज मच कोई इशू तो नहीं है। नसीम शाह माशाल्लाह से डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं, ना सिर्फ क्वार्टर ग्रेडिएटर के लिए बेहतर है बल्कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस दफ़ा से नसीम शाह से। लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया लेकिन आप चुनौती फॉर सम रीज़न हमारे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं, जिस तरह क्वार्टर ग्रेडिएटर पहले 4-5 साल जिस तरह टॉप में हमेशा हमने फिनिश किया है, लेकिन इस दफ़ा टू बी ऑनेस्ट जिस तरह की हमारी सिलेक्शन हुई है, हमारे जो भी वहाँ पे टीम मैनेजमेंट कोच कैप्टन और बाकी जो टीम ओनर नदीप वगैरह जब जो बैठे हुए थे, बड़े ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट किए, और टू बी ऑनेस्ट एज बॉलिंग कोच काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मेरी टीम से। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा अभी आपने नसीम शाह की बात की, ऑब्वियसली क्वार्टर ग्रेडिएटर्स वो टीम थी जिसने नसीम शाह को वाइड बॉल में कंसिस्टेंट चांसेस दिए, और फिर जिस तरीके से वो ग्रूम होकर एशिया कप से अब तक एक फ्रंट लाइन बॉलर बनाए, तो कितना क्रेडिट देंगे क्वार्टर ग्रेडिएटर्स को नसीम की ग्रूमिंग में, और ये वर्ल्ड कप ईयर है तो इस PSL में किस तरीके से उसका ध्यान रखेंगे, और कितना एक्साइटेड है उसके साथ काम करने के लिए, क्योंकि अब वो वन ऑफ दी फ्रंट लाइन पेसर्स है पाकिस्तान का। देखिए, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब तक आप किसी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उसको मौके नहीं देंगे, तो वो कभी भी अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से क्वार्टर ग्रेडिएटर ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्डर किया है लास्ट 2 साल से, वो तो रेगुलर मेंबर है, उससे पहले जब वो इंजर्ड भी था, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है क्वार्टर ग्रेडिएटर को, उसको जिस तरह रिकॉर्डर उसको किया है टीम के साथ, इवन वो एंट्री कैरी कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे टीम ऑनर और टीम मैनेजमेंट ने उसको हमेशा अपने साथ कैरी किया। और अभी नसीम शाह अगर आप देखें लास्ट ईयर से जिस तरह वो क्वार्टर के लिए परफॉर्म कर रहा था, तो डे बाई डे जिस तरह मैंने पहले टाइम इम्प्रूव किया है, और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टॉप बॉलर बन गया, पहले उसको कंसीडर कर रहे थे रेड बॉल के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से क्वार्टर ग्रेडिएटर के खिलाने से और T20 और वाइट बॉल फॉर्मेट खेलने से उसको काफ़ी फायदे होंगे। आप कॉमेंट के मायने बहुत होता है, तो आप क्या तजवीज़ देंगे इन कंडीशन में कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है बॉलर्स को, और ख़ासतौर पर उस वक्त जब ड्यू का फैक्टर काफ़ी है यहाँ पर कम्फर्टेबल होगा? देखिए, पहले तो ये है कि एज बॉलिंग कोच मैं ये समझता हूँ कि जब तक प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का अगर पता है, आप मैं इस चीज़ पे बिलीव कर रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर और ज़्यादा काम करो, उसको उस पर और कमांड हासिल करो, उसके बाद फिर आप नई चीज़ों पर काम करते हो। और जहाँ तक ड्यू फैक्टर है या जैसा नाइट मैच हमारे, डेफिनेटली हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे कल से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम डे बाय डे हम डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा आगे जाएगा, तो कंडीशन को देख के उसी लिहाज से बिल्कुल बीजा प्रोफेशनल हम उसकी भी तैयारी करेंगे। अली, अच्छा आप बॉलर्स की स्ट्रेंथ के हवाले से बात कर रहे हैं, उमर स्ट्रेंथ के लिए हमेशा देखा गया कि वो ताकत ज़्यादा जब लगाते हैं तो रिदम और लाइन लाइन से हट जाते हैं, यॉर्कर्स की ज़्यादा कोशिश होती है लेकिन बॉल फिर वो फुल टॉस बन जाती हैं और फिर एक्स्ट्रा रन्स बनते हैं, तो उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आप इस टाइम को ताकि वो प्रॉपर बॉलिंग करें? ऑनेस्टली मैंने उसे कल जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने उससे बात की, ये सबसे पहले तो आपके अपने सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो 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 क्लैरिटी है माइंड, जो जो क्लियर माइंड के साथ आप अगर जाओगे और आप इस ऐसा जाओ कि हाँ यही चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंस में कर सकता हूँ, तो तभी आप उसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में आपका फोकस और कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आसन का मैंने उसके साथ लास्ट ईयर भी बात की और मैंने बार बार इंटरव्यूज में भी कहा है कि उसमें पोटेंशियल है कि स्पेस भी उसके पास, लेकिन जो जो थिंग है उसकी जो 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 मिसिंग पार्ट है उसका, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा अपने फोकस पे और ज़्यादा अपना फोकस पे काम करना होगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गेम अवेयरनेस, और थोड़े से उसमें जो ना अभी है वो शाइनेस है उसके साथ, उस पर काम कर रहे हैं थोड़े से। अगर वो और रिग्रेशन के साथ बॉल करें तो आई थिंक बैट्समैन को प्रॉब्लम हो, क्योंकि जितना उसका पेस है तो आई थिंक वो बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैफा मगर भाई हमारे जितने भी बॉलर हैं थोड़ा यॉर्कर पे लैग कर रहे हैं, और आपके स्पेशलिस्ट हैं यॉर्कर, उसका भी बता दें कि कितनी बात हो रही है। अहमद खान आपके पास आए हैं, यंग टैलेंट है, उनको कितना चाहिए? और मेरे ख्याल से अगेन फिर क्रेडिट देना होगा PPSL को, जिस तरह ये एमएल है मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मैं उसको देख रहा हूँ, PGL से उसको पिक किया है ड्राफ्ट में था, उसमें पोटेंशियल है। अभी दो तीन से मैं वो देख रहा हूँ, इससे पहले तो उससे उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इंजरी प्रॉब्लम थी, वो इंजरी से कम बैक करके आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक इस एज में और इस अगर आप देखें इमर्जिंग लेवल में इस टाइम पे उसमें काफ़ी उससे एक्सपेक्टेशन है, और आई होप सो कि जो जो जिस तरह टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा तो मे बी कि वो हमारे लिए एक मेन प्लेयर भी हो सकता है इमर्जिंग कैटेगरी में, लेकिन स्टिल उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। बच्चा नया बच्चा है, अभी क्लब क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। जहाँ तक आपने क्वेश्चन की यॉर्कर की, तो डेफिनेटली आई थिंक लास्ट ईयर से हमने इस चीज़ पे काम किया था। अगर आप नसीम शाह को देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसने की है, और थोड़े से उसके सीम पोजीशन पे मैंने काम किया था उसके साथ, उसकी यॉर्कर काफ़ी बेटर हो गए। अगेन ये प्लेयर से भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वो सीखता है, कितने अर्ली वो सीखता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें मैं कभी भी नहीं चाहूँ कि नसीम शाह साहब मैंने काम किया, ग्रेड मुझे देना चाहिए, हमेशा ग्रेड प्लेयर को जाना चाहिए। मैं स्नैन के हवाले से पूछना चाहूँगा कि लास्ट सीज़न वो पूरा नहीं खेल सके थे, अनफॉर्चुनेटली उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था अभी मैच के अंदर, तो आपने उनको कितना मिस किया था लास्ट सीज़न में, और जब उनका एक्शन दुरुस्त हुआ है तो कितना आपने उसमें फ़र्क पाया कि पहले वो क्या थे और अब उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है, या जो पहले एक्शन था वो सही था? और दूसरा ये कि आपका जो पहला मैच मुल्तान के अंदर है, प्रैक्टिस आपकी सिर्फ कराची में ही हो रही है, तो कब वहाँ जाके मूव होंगे और कब वहाँ प्रैक्टिस सेशन आप लोग स्टार्ट होंगे? देखिए पहले क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही कहा कि हसन के जो बॉलिंग उसको लीडर कर दिया था, तो डेफिनेटली हमने उससे सफ़र किया। अभी जिस तरह मैंने कहा कि हम पहले 4-5 साल हमने हमेशा टॉप पर फिनिश किया है, लास्ट 2 सालों से हमने थोड़े से कोविड की वजह से, प्लस फिर वहाँ पर हमारे कुछ प्लेयर्स पार्शली अवेलेबल थे, स्पेशली फॉरनर प्लेयर इंजरीज हो गई। हसन का लास्ट ईयर हमें काफ़ी लॉस हुआ, तो उस चीज़ को हमने बिल्कुल फील किया है। और जो एक जो हसन के बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यार अपने एक्शन बॉलिंग एक्शन को रिमॉडल करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो मैं भी उसका पेस लूज हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर फील कर रहा है। और लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह काफ़ी एक्सपेक्टेशन से हमारे मेन दो फास्ट बॉलर है नसीम और हसन, तो इंशाल्लाह मुल्तान हाँ बिल्कुल मुल्तान आई थिंक हम जहाँ तक मैंने सुना हम ट्रैवल कर रहे हैं 13 को, तो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास 3-4 दिन के प्रैक्टिस है, लेकिन आई होप सो कि हम 14 को या 13 को में भी अगर हम अर्ली टाइम पे पहुँच जाए, 1-2 दिन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो अच्छी बात है कि हमारे जितने भी फॉरनर्स हैं या हमारे कुछ लोकल प्लेयर्स वो अभी टूर्नामेंट्स डिफरेंट लीग्स खेल के आ रहे हैं, तो वो टच में। थैंक यू Thank you.